अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीन। नाज़रीन, आज के दिन हम कह सकते हैं कि मार्केट में एक करेक्टिव मोड देखा गया। इस वीक के आगाज़ से ही थोड़ी सी करेक्शन देखी गई थी मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद। एक मार्केट के अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी देखी गई। हमने ये भी देखा कि जो इन्वेस्टर्स अपनी पोजिशन जो है वो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग की तरफ लेते जाते हुए दिखाई दिए। तो दिस इज़ द रीज़न कि मार्केट के अंदर थोड़ी सी एक हम कह सकते हैं कि डिक्लाइनिंग नोट देखा गया है। 70,000 के अबव मार्केट का क्लोजर होना और साथ साथ थोड़ा सा करेक्शन भी होना, इट मींस कि मार्केट में एक हेल्दी साइन भी देखा जा रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता हम ये कह सकते हैं कि नए इन्वेस्टर्स के लिए या वो इन्वेस्टर जो थोड़ा सा लेट हो गए थे अपनी पोजीशंस लेने के, तो उनके लिए अब थोड़ी सी रास्ते जो हैं वो क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स सी कि मार्केट इसको कैसे बिहेव करती है और आने वाले दिनों में जो मॉनेटरी ईजिंग की तरफ जब जाते हैं जब क्या सिचुएशन होती है। लेकिन अब तक की सिचुएशन यही है कि मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन देखी जाती है। कल ट्रेडिंग सेशन जो है वो लास्ट होगा और साथ साथ वीक की क्लोजिंग भी होगी, तो मे बी कल भी यही आसार हो सकते हैं और मार्केट इसी तरीके से जो है वो अपना एक रिएक्शन शो कर सकती है। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे SIFC के हवाले से। SIFC हम कह सकते हैं कि एक फुल स्विंग में, फुल एक पोजीशन में दिखाई देती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत की, वहाँ पे जब बातचीत की गई, FDI के हवाले से बातचीत हुई, तो यहाँ पे ये देखा गया कि सऊदी डेलीगेशन अगेन, एक कह सकते हैं हम कि सऊदी बिग बॉसेस जो हैं तमाम बिजनेस कम्युनिटी के, वो अब पाकिस्तान आ रहे हैं 5 मई को। इट मीन्स कि वो 2 दिन के लिए आएंगे, उनका एक विजिट होगा पाकिस्तान, इन्वेस्टमेंट के हवाले से बातचीत हो रही है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकती है। कह सकते हैं कि हम के उनका हॉस्पिटैलिटी साइट पे भी एक रुझान देखा जा रहा है, थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन के मरहले में भी उनकी एक दिलचस्पी नज़र आ रही है। रेकोडिक के हवाले से कुछ हम कह सकते हैं कि गवादर में एक रिफाइनरी के ऊपर काम होते हुए दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर भी एक जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी थोड़ी सी इंटरेस्ट दिखाई दे रहे हैं। तो कहाँ कहाँ उनका फर्दर इंटरेस्ट होगा, कहाँ कहाँ पाकिस्तान बिजनेसेस ग्रैब कर पाएगा, कैसे FDI को अट्रैक्ट करेंगे, और साथ साथ इकोनॉमी के हवाले से बात करेंगे IMF की डिसबर्समेंट ट्रांच के बाद, जो कि कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो है वो रिजर्व्स में आ जाएगी, तो उसके बाद क्या कंडीशन होगी, और साथ साथ थोड़ा सा जो एक हम करंट अकाउंट सरप्लस देख रहे हैं काफ़ी अर्से बाद, तकरीबन 9 साल बाद, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिजनेसेस की सिचुएशन क्या होगी, और ऑन गोइंग इकोनॉमिक जो एक ट्रैक आ चुकी है उसके बारे में क्या कहेंगे। सो हमारे पैनलिस्ट का तारुफ कराते चलें। अहमद चुनाव साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैं, बिजनेसमैन भी हैं, खुश आमदीद कहते हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वॉर्म वेलकम। और हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ इनाम साहब, आप चेयरमैन हैं एप्टमा के, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वॉर्म वेलकम। मैं अहमद चुनाव साहब से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी। चुनाव साहब, एक तरफ बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं जिसमें कह सकते हैं कि FDI के हवाले से बातचीत, फिर सऊदी डेलीगेशन का ऑलरेडी एक हाई अप डेलीगेशन का तशरीफ़ लाना पाकिस्तान, उसके बाद फिर ईरानियन प्रेसिडेंट का आना, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का सऊदी अरब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करना, और अब दोबारा एक जो एक हेल्दी बात ये है वो ये है कि सऊदी बिग डेलीगेशन, बिग बॉसेस का डेलीगेशन कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल क्रीम बिजनेस कम्युनिटी है, वो अब पाकिस्तान तशरीफ़ ला रही है 5 मई को। तो कैसे देखते हैं आप तमाम बैक टू बैक चीज़ें और बहुत ही जल्दी से ये चीज़ें सामने आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सारी चीज़ें जो आपने बयान की वो ये साबित कर रहा है कि समथिंग इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान, और हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, सारे लोग जो हैं वो इस बात पर कोशा हैं कि पाकिस्तान को जो है वो सही इकोनॉमिक ट्रैक पे लेके चले जाएं, और जाहिर है उसके लिए दिन रात मेहनत करने की भी ज़रूरत है। माना कि हम बहुत ही डीप क्राइसिस में थे, मैं ये समझता हूँ कि वो डीप क्राइसिस के दिन ओवर हो चुके हैं, लेकिन स्टिल नॉट आउट ऑफ हॉट वाटर्स, अभी भी काफ़ी लंबा सफ़र हमने तय करना है, और इस सफ़र को तय करने के लिए जो है वो अनथक मेहनत की ज़रूरत है, जो हमारे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब और दूसरे लोग जो हैं वो मिलकर इसको सब सही ट्रैक पर ला रहे हैं। ज़ाहिर है, देखें, इन सारी चीज़ों में जो नोटेबल चीज़ है वो ये है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो हर सूरत में चलनी चाहिए, ताकि हम दुनिया को ये तासुर दे सकें, और साथ साथ यहाँ लोगों को भी जो है ना सिर्फ रोज़गार के मौके फराहम करें बल्कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी हो, एक्टिविटी हो। अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है, जो इस वक्त हमारे पास एनर्जी क्राइसिस इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस आए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और लोगों का जो है वो फोकस जो है वो इस बात पर है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमिकली चल जाए।
मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम मेजर्स के बाद जब पाकिस्तान में ज़ाहिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक फ़्लो आ जाएगा, हमारा जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपने फिर पहले बता दिया कि करंट अकाउंट डेफिसिट 9 साल की तारीख में पहली दफ़ा जो है वो पॉजिटिव में आ गया, तो ये सारे इंडिकेटर्स उस बात की गमाजी करते हैं कि हाँ आगे जाकर मैं ये प्रज्यूम करता हूँ कि गुड सेंस विल प्रिवेल, हमारा जो है इन्फ्लेशन रेट जो है वो नीचे आएगा, उसकी वजह से हमारा जो है वो बैंक इंटरेस्ट रेट नीचे आता है। इसके बाद जो IMF से हमारी बातचीत चल रही थी और उसमें फिर मैं समझता हूँ कि $1.2 बिलियन की जो ग्रांट है वो विद इन दिस वीक कहीं भी किसी वक्त भी हो जाएगी इंशाल्लाह, और साथ ही हमारा $6 से $8 बिलियन का जो मुआहदा है वो भी ऑन कार्ड्स है। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद मेरा ख्याल है जो पहला स्टेप होना चाहिए वो इंडस्ट्री से जो बिजली कम रुखों पे फराहम करने की बात है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हम 9-10 सेंट की बातें कर रहे हैं IMF से, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़ाहिर है एक कंसेंसस लाना पड़ेगा, और वो अगर कंसेंसस आ जाता है और वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान से बेहतर पोजीशन में इंडस्ट्री के हवाले से कोई भी नहीं होगा कि इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, हमारा GDP ग्रोथ भी चल रहा है और साथ साथ हमारी इंडस्ट्री जो है वो पूरी जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो तसलसल हमने इनिशिएटिव्स का लिया हुआ है वो इनिशिएटिव्स जो हैं वो मुसलसल होते जाएं और उसके रिजल्टेंट में तसलसल भी ना रुके और उसका रिजल्टेंट में जो है वो हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियल्स को बेनिफिट हो और इनकी इंडस्ट्री जो है वो चलना शुरू हो जाए। मैं आसिफ साहब से पूछूंगी, आसिफ साहब इंट्रोडक्टरी कमेंट में आप बताइएगा प्लीज़ कि एक तो इंडस्ट्री की बात हो रही है, इंडस्ट्रीज चलती हैं तो ऑटोमेटिकली मुल्क तरक्की करता है, ऑटोमेटिकली तमाम काम बेहतर हो जाते हैं। हमारे पास इश्यूज हैं इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पावर जनरेशन के हैं, और थोड़ा सा अगर हम देखें तो लास्ट IPPs के हवाले से भी इश्यूज रहे हैं। इन सबको टैकल करना, एक पूरे मुल्क को तरीके से चलाना और आगे इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करना कि ऐसा ना हो कि हमारा एक बैड जेस्टर जाए, हमें गुड जेस्टर भी प्रिवेल करना है, कैसे देखते हैं? इसके अंदर देखिए कि हमारा जो पावर जनरेशन है उसको कोई इशू ही नहीं, हमारे पास जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो 25,000 का है, माशाल्लाह 48,000 हमारे ऑलरेडी टेक और पे और जो गवर्नमेंट के जो डैम्स वगैरह हैं वो मिला के हैं, तो तकरीबन 48,000 हम जनरेट या उसके पैसे दे रहे हैं और 25,000 हमारा मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एंड ये ICMA में सेमिनार में भी हमने पूरा डिस्कस किया था, एंड 17,000 तकरीबन है जो मुख्तलिफ स्टेजेस में है कम्प्लीशन की, जो विद इन 3-4 ईयर मेरे ख्याल में 1-1.5 हज़ार तो अभी आने वाला है। तो प्रॉब्लम इज़ दी ऑफ टेक, और ऑफ टेक की पोजीशन ये है कि जो मार्च की बिजली की कंजम्पशन है वो -8.5 है, एंड प्राइमरी रीज़न जो उसमें है वो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन और जो महंगी कंजम्पशन है वो ख़त्म हो रही है। देर आर टू कंपोनेंट, कि एक तो ये है कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ जनरेशन है, फिर उसके बाद एक जो फिक्स चार्ज लाइबिलिटी है, जो प्लांट आप इस्तेमाल नहीं करें, यानी सारी दुनिया में बाय वन गेट वन फ्री है या बाय टू गेट वन ऑलमोस्ट पोजीशन हो गई है एनर्जी में, तो वो सब चीज़ पास ऑन नहीं हो रही, और वो ऑटोमेटिक सिस्टम इस तरह है कि जितने बंद हो गए बाकी पे लोड बढ़ता जाएगा, तो वो लिहाजा उसका कैस्केडिंग इफेक्ट है। तो एंड वी होप कि हमारी तकरीबन फाइनल स्टेज में बातचीत हो चुकी है हर लेवल पे, एंड वी एक्सपेक्ट ये 9 सेंट जो है उनको भी नज़र आ रहा है कि जब उस सूरत में ही हो सकता है कि जैसे ही 9 सेंट होगा और इसकी डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी तो बहुत सारे मसले खुद हो जाएंगे। जैसे सिस्टम की इनहांसमेंट है वो 2-4 हज़ार मेगावाट तो बड़े आसानी से सिस्टम में इनहांस हो सकता है कि 30-32 हज़ार का ऑफटेक शुरू हो जाए, फिर आपका जब आगे डिमांड बढ़ती जाए तो हर चीज़ फिर लेवलाइज हो जाएगी। पहले अगर पाकिस्तान की होल बात करें तो 250 मिलियन की पॉपुलेशन, और फिर उसके बाद इसको लेकर भी चलना है, इस पॉपुलेशन का भी ख्याल करना है, फिर एक्सपोर्ट के हवाले से ही बात करनी है। आप समझते हैं इंडस्ट्रियल मसाइल में सिर्फ यही वजह है कि थोड़ा सा हमारी जो फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाए या हमारी जो महंगी बिजली है का थोड़ा सा असर कम हो? मैं आपको हिस्टोरिक प्रोस्पेक्ट में बताता हूँ कि 80s में जो है वो जब हम 80s में थे, जब ये IPPs वगैरह नहीं आए थे, हमारा तकरीबन जो इंडस्ट्री का शेयर था वो 26-27% के करीब था। अब टोटल इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है लास्ट फॉर मेनी डिकेड्स वो तकरीबन जो है वो 13% के करीब रह गए, एंड दिस 13% प्रोवाइड 59% ऑफ द टैक्सेशन। तो एक तो ये टैक्सेशन का बेस इसको भी कर्व कर रहा है, तो एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरे, जब से ये हमारी महंगी बिजली का सिलसिला शुरू हुआ, हमारा नेचुरल टैरिफ ही 14-18 बन गया, तो वो 14-18 कभी इंडस्ट्री को पनपने नहीं देता, और इस तरह आप देखेंगे कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन सब कुछ ग्रेजुअली जो है
खत्म। पहला सवाल ये है कि इसे कम, इसमें कमी कैसे की जाए। मैं पॉजिटिव साइड आपको बताता हूँ। देखिए मार्च 22 में हमारी एक्सपोर्ट $3 बिलियन थी, आज मार्च 24 में हम मतलब ढाई बढ़ के हुआ है कि जी ईयर हाई। तो ये जो 500 बिलियन का गैप है ये किसी वजह से नहीं था, इसे एनर्जी की वजह से था, राइट एनर्जी टैरिफ। उसके बाद हमारी कैपेसिटी भी बढ़ी है, तो ये 3 का 3.5, तो इसका मतलब है हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है। $5 से $8 बिलियन एक्सपोर्ट बढ़ाना कोई मसला नहीं है। वी वर फॉर ईयर्स वी वर ग्रोइंग एट अबाउट 10-15%, जबकि तकरीबन ऑलमोस्ट 2018 में हमारी पोजीशन थी कि वी वर इन अ पोजीशन के दुनिया के 3 मुल्क ऐसे हैं थे उस वक्त, ये मेरा नहीं है कि मैंने स्टेट बैंक की प्रेजेंटेशन थी, 3 मुल्क ऐसे थे कि जिनका GDP से 10% एक्सपोर्ट कम था, एक पाकिस्तान, यमन और अफगानिस्तान, ये जहाँ शेयर ऑफ GDP में एक्सपोर्ट इज़ लेस देन 10%। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसे अल्लाह ने बाहर निकाल के 14% पे आए, फिर दोबारा चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो बात ये है कि रेसिपी इज़ देयर, टैलेंट इज़ देयर, बट और अब जो चूँकि कई लोग बंद हो जाते हैं, देखिए 10 यूनिट बंद होते हैं उसमें से 6 वापस चलते हैं या 5 चलते हैं, 4-5 दम तोड़ देते हैं, तो जितने जल्दी होगा उतना उसका जो है हमें फ्रूट जल्दी मिल जाएगा। राइट, मैं चुनाव साहब से पूछूंगा, चुनाव साहब इसका सलूशन क्या है? एक तरफ उन्होंने सारे रीजंस बता दिए हमारे पास 1980 से लेके अब तक की सिचुएशन के हवाले से, डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल क्या हैं और लाइन लॉसेस क्या हैं और हमारी कंजम्पशन कितनी है और मैन्युफैक्चरिंग कितनी है, तो आप क्या समझते हैं कि प्रोडक्शन कितनी है, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में हम इसके सॉल्यूशंस कैसे ले जा सकते हैं? IPPs के हवाले से आपने यही बोला था लास्ट टाइम कि बाइंग की तरफ जाना चाहिए हमें, तो दिस इज़ दी ओनली सॉल्यूशन? देखिए 2-3 चीज़ें इसमें बड़ी अहम हैं। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करते हैं तो जहां हम 48,000 प्रोड्यूस कर रहे हों और 15 हमारे पाइपलाइन में हो, तो मे बी वी आर लुकिंग एट 65,000 मेगावाट। अब 65,000 मेगावाट में इस वक्त हमारी कंजम्पशन अगर 25,000 मेगावाट है तो हम तकरीबन 35,000 मेगावाट शॉर्टफॉल पे आ जाते हैं। दो चीज़ें अब इसमें अहम हैं। सबसे बड़ी चीज़ मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी को भी बढ़ाने की ज़रूरत है, उधर एनहांसमेंट करें, और साथ साथ जब डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं तो फिर हमको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी यूजेज भी बढ़ाना है। अगर यूजेज कम रहती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। सकते हैं जब इतनी एक्सपेंसिव हो कि प्रॉब्लम्स बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पहली अहम बात यह है कि हम इतनी अट्रैक्टिव उसको लेवल कर दें कि यूजेज जो है वो आ जाए ऑटोमेटिक बढ़े, और फिर इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारा GDP ग्रोथ, कि जहां हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी वहां हमारी GDP ग्रोथ हो जाएगी, वहां हमारी हर चीज़ की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। तो ये साइमल्टेनियसली सारी चीज़ें होंगी। आप आइसोलेशन में किसी एक चीज़ को प्लान कर लें और कर लें तो मैं समझता हूँ नुकसान उठाएंगे, हम फिर मिसमैच में आ जाएंगे। आज हम मिसमैच में आ गए हैं, आई एम श्योर आसिफ भाई ने बिल्कुल क्लियर कट बता दिया कि क्या रिक्वायरमेंट है और क्या हमारी पोजीशन है। तो इतनी एक्सेस बिजली के साथ हम अगर अपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बेहतर नहीं कर सकते तो फिर यह इंडस्ट्री लगाने का फ़ायदा नहीं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर तो गुजारा नहीं है, और हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि यस, तो फिर ये साइमल्टेनियसली चीज़ें साथ होंगी। और जो हम बात कर रहे हैं SIFC में इंडस्ट्रीज़ की आने की, सऊदी इन्वेस्टमेंट की आने की, तो जाहिर है कोई भी इंडस्ट्री जब लगाएंगे तो हमें बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, और जब बिजली की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी मौजूद है, और उस एक्सेस कैपेसिटी के साथ हमारी अगर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स मौजूद हों तो हम बहुत अच्छी तरह सर्व कर सकते हैं। फिर जो हमारा प्रॉब्लम है कैपेसिटी पेमेंट्स का, उसको भी रिजॉल्व किया जा सकता है। जहाँ रिक्वायरमेंट ज़्यादा आती है वहाँ एक और ट्रेंड भी अब आ गया है कि इंडस्ट्री में गैस के बजाय शायद हम इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आज, और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब ये हो गया कि वो कैपेसिटी जो अनयूटिलाइज्ड है उसमें से कुछ ना कुछ हम अपना ड्यू शेयर दे रहे हैं। गैस की वैसे ही शॉर्टेज है, गैस वैसे ही हम इम्पोर्ट भी कर रहे हैं, और क्या ही अच्छा हो फिर हम बिजली पे ही चले जाएं, गैस के इश्यूज बिल्कुल यहाँ भी, जहाँ जहाँ गैस की ज़रूरत है वहाँ गैस इस्तेमाल हो जाए, बाकी जो काम हम गैस बिजली के बजाय गैस से कर रहे थे वो दोबारा गैस पर डाइवर्ट हो जाए। देखिए इसके अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी पॉजिटिव गवर्नमेंट ने की है, मगर प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, जैसे गैस की व्हीलिंग है, जब तमाम जो नए फील्ड्स हैं वो तमाम 40% तक जो है वो मार्केट में बेच सकते हैं, और उसी के लिए एग्जिस्टिंग पाइपलाइन यूज़ होगी। तो हमने एज ए नेप्टोमा तकरीबन 100 मिलियन जो है MMFCFD तकरीबन जो 100 मिलों के बराबर है सिक्योर कर लिया था $8। बट अगेन क्वेश्चन ये है कि चूंकि गवर्नमेंट ने माल खरीदा, और गवर्नमेंट ने कहा आप ये ना करें, फिर आप गैस चलाएंगे तो हमें जो है वो बिजली कौन खरीदेगा? अब इसमें बिजली से गैस से बिजली जाना, नंबर एक इट शुड बी इकोनॉमिकल, क्योंकि अब लोगों के पास बहुत एफिशिएंट इंजन हैं, तो वो ज़माने गए कि जब अब तो मिनिमम भी 45%
44% के करीब एफिशिएंट है। तो लाइन लॉसेस के साथ डालें तो वो किसी भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से बेहतर ही होता है। तो उनको आपको अट्रैक्टिव रेट देना है ताकि वो शिफ्ट हो जाएं। दूसरे हमारे लिए भी ये इन्वेस्टमेंट डुअल होता है, जितने जल्दी मतलब नई चीज़ लगने में अगर गैस और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देना पड़े तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा, उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगा। मगर आपको टैरिफ वन टाइम इसको इस तरह लाना पड़ेगा। और डिमांड तो यही है कि उनको कंपेटिटिव टैरिफ मिल जाए। इंडस्ट्री का तो देखिए, इंडस्ट्री की तो डिमांड बेसिकली तो गवर्नमेंट को क्या देखना चाहिए, नंबर एक के भाई कौन लोग हैं जिन्होंने 25,000 पे 48 खरीद ली, ठीक है ना, दे रहे हो। ऐसे मजाक तो नहीं हुआ, कोई बना होगा कि भाई हम क्यों ले रहे हैं, 48 हो गए, फिर उसके बाद 17 लाइन में भी हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हर चीज़ के अंदर राहत भी है। आप शॉर्ट टर्म ये करें, लॉन्ग टर्म दिस विल प्रोवाइड अस एन अपॉर्चुनिटी। जो 8-10 साल के प्रोजेक्ट होते हैं जैसे आपके बड़े डैम्स हैं, वो आप अपने PSDP से शुरू करें और उनको ठीक है 10 साल में वो जब तक कंप्लीट हो, ये मेजर लायबिलिटी का मतलब फ्यूचर तो बेहतर करें ना, तो टेम्परेरी सोल्यूशन ये है। दूसरे इसमें से कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अब चंद दिनों में गवर्नमेंट के उससे निकल जाएंगे, व्हेन दे मेक श्योर कि वो कोई और तरीके से खड़े नहीं रह जाए सिस्टम में कि जी खड़े हैं लाइन में कि जी अब यहाँ से नहीं यहाँ लाइन में हो गए, तो जिसमें से अभी तक ऑलमोस्ट कई लोग नहीं निकले हैं। सिस्टम के ग्लिचेस आप समझते हैं कि ठीक करने की जरूरत है। अच्छा इंडिया में, सॉरी मैं बताता हूँ, वहाँ आपको हर रोज ऑनलाइन मिलता है कि कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रायोरिटी में क्या है, कितने की बिजली बना रहा है, कौन सा बंद है तो वो कितने की बिजली। अगर रोज आपके पास यहाँ शीट चल रही हो ना हर आधे घंटे बाद कि ये हमारी पावर जनरेशन है, ये बंद है, ये फिक्स कॉस्ट पे है, ये चल रहे हैं, तो आपके 80% ट्रांसपेरेंसी से मसले हल हो जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, वो बहुत सारे मसले ऑब्वियसली रेट करने के बाद ये भी। अच्छा, मैं टेक्सटाइल के हवाले से पूछना चाहती हूँ। एक तरफ आईटी के एक्सपोर्ट को देखते हैं, बहुत चाम मौजूद है, दूसरा अगर टेक्सटाइल की बात करें तो बांग्लादेश इज नॉट प्रोड्यूसिंग सिंगल बेल ऑफ कॉटन, लेकिन फिर भी उनकी प्रोडक्शन या फिर भी उनकी जो एक चीज़ें हैं वो आगे बढ़ते हुए डेली बेसिस पे दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं टेक्सटाइल के अंदर क्या चीज़ है जो हमें थोड़ा सा रेवोल्यूशनाइज की तरफ जाना है? पहले आपको पता है कि बांग्लादेश की आईटी एक्सपोर्ट कितनी है? $8 बिलियन, ये पिछले साल तक थी। तो अगर हम 1-2 पहुंचे हैं तो वो पहले ही 8 पहुंच चुके हैं। नहीं तो आईटी में हमने थोड़ा देर से काम स्टार्ट किया है ना। तो बेचारी देखिए, सोचना जब स्टार्ट हम करेंगे कोई चीज तो उसके ऊपर यकीनन काम होगा। तो खैर मतलब दे आर वे अहेड इन आईटी आल्सो। सॉल्यूशन सर, तो सॉल्यूशन तो यही है कि देखिए पहले तो हम एंटी इंडस्ट्री बाइस खत्म करें। जब हम IPP लगाते हैं तो हमें उससे इतना प्यार होता है कि हम उसे 30 साल तक टैक्स फ्री भी कर देते हैं, हम उसे सब कुछ दे देते हैं, हम उससे कहते हैं कि तुम लंदन चले जाना अगर हम तुम्हें कुछ कहें तो, पाकिस्तान की अदालत भी नहीं जाओ। जो लोकल इन्वेस्टर है उसे 22 बहुत। सर मैं इतना नेगेटिव नहीं जाऊंगी, मुझे नेगेटिव नहीं है वो बताएं, सिंपल मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूं ना। जब आपकी इंडस्ट्रियल बाइस खत्म हो जाएगी आप उनकी कदर करेंगे ऑटोमेटिकली। सब जो हुआ है देखिए 10-15% टेक्सटाइल की ग्रोथ आई। अगर आपकी गवर्नमेंट की थिंकिंग हो कि जी हमें टेक्सटाइल नहीं चाहिए, जो अभी नहीं है पहले एक जमाने में थी, तो वो उसमें क्या हुआ 42% टेक्सटाइल का शेयर था, 65% इन द पास्ट। क्यों हम अभी पास्ट की बात कर रहे हैं? मैं चुनाव सबको गुफ्तगू में शामिल करूंगी। अहमद साहब ये बताइए कि एक तरफ हमें अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ानी है, दूसरी तरफ इश्यूज के क्लियर होने की भी बात हो रही है। जब SIFC का एक कयाम हुआ तो उसका मकसद ही यही था, उसका पर्पज ही यही था कि इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर बनाना और इकोनॉमिक एमरजेंसी नाफिज करना है। अब आपको क्या लगता है कि ये जो छोटे छोटे ग्लिचेस बता रहे हैं या जो कुछ डिमांड्स है बिजनेस कम्युनिटी की, एक तरफ अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की होती है तो दूसरी तरफ बहुत सारे पहले भी सब्सिडीज के हवाले से भी आपको याद होगा कि दी जाती थी, तो इसको कैसे देखते हैं आप? और दूसरी तरफ इंडस्ट्री को फरोग देना और हमें अपने एक्सपोर्ट टारगेट्स को बढ़ाना है। देखिए ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर ठीक हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस हैं उसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है कि जो फिट है वो सर्वाइव करेगा, जिसको वक्त के मुताबिक अपने आप को ढाल लेगा। हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहीं नहीं जा रही। ज़ाहिर है देखिए वक्त के साथ साथ हर चीज़ की डिमांड सप्लाई का जो है वो इशू होता है। कल सुबह जो है वो हम यहाँ बिल्कुल एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सेंस में नहीं कर रहे थे कि हमारे पास जो है वो हमारे मेडअप्स की, हमारे गारमेंट्स की, हमारी बाकी चीज़ों की जो है वो एक बहुत बड़ी डिमांड थी और हम उसको सफाइज कर रहे थे। आज मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो रिवर्स आया है कि जी हमारी यान की एक्सपोर्ट फिर बढ़ना शुरू हुई है। मैं कहता हूँ कि ये अच्छा ट्रेंड नहीं है। अच्छा ट्रेंड ये है कि हमारी गारमेंट की एक्सपोर्ट बढ़ती है, हमारी फिनिश प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट बढ़ती, हमारी मेडल्स की एक्सपोर्ट बढ़ती, ताकि हमारे पास रेवेन्यू ज़्यादा आता। जाहिर है देखें उस इंडस्ट्री में भी अपने इशूज़ हैं, अपने मसाइल हैं, हाई कॉस्ट ऑफ पावर के मसाइल हैं, फिर हाई कॉस्ट ऑफ लेबर के मसाइल हैं। तो हमने इन सारी चीज़ों को जो है वो कलेक्टिवली हल करना है कि बैठकर
टेक्सटाइल आज भी हमारा ब्रेड विनर है, अगर कल 42% था तो आज भी जो है वो हमारा मोरलेस 2-4% आगे पीछे है। लेकिन इसके बावजूद भी टेक्सटाइल की अहमियत से हम इसलिए इनकार नहीं कर सकते कि मुल्क की 60% लेबर जो है वो टेक्सटाइल फील्ड में खपती है। तो जहाँ 60% लेबर आपकी काम कर रही हो, उस इंडस्ट्री को आप दरगुजर नहीं कर सकते। उसको चलाने के लिए उसके जो इश्यूज हैं उन पे जो है वो कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। जो आसिफ साहब ने स्टार्ट में कहा कि बिजली बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, यानी हमारी प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई है, तो इसको कंज्यूम करने के लिए आप समझते हैं कोई, मेरा ख्याल है कि वही इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसमें चाहे टेक्सटाइल हो, उसमें चाहे दूसरी अपना फील्ड हो, सारी फील्ड जो है उसमें आनी चाहिए। इस वक्त हमारे पास सीमेंट में बड़ा इंटरेस्ट है लोगों को, इस वक्त हमारे पास राइस में बड़ा इंटरेस्ट है, इस वक्त हमारे पास और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया भर से इंटरेस्ट आ रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो फ्यूल एंड पावर हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा इंटरेस्ट आईटी के साथ साथ उन चीज़ों में भी जो है वो इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आना चाहिए, जो मैं समझता हूँ आगे आने वाले दिनों में हो सकता है। आपने बात की कि जी 5 मई को सऊदी डेलीगेशन आ रहा है टॉप ग्रेड, तो मैं समझता हूँ कि हमको उसके लिए एक एडवांस में तैयारी की ज़रूरत है कि जी हम कौन कौन से प्रोजेक्ट्स उनको ऑफर कर सकते हैं, कहाँ उनको जो है वो सेंसिटाइज कर सकते हैं और कहाँ उनको कह सकते हैं कि यस दिस इज़ द प्लेस टू इन्वेस्ट, दिस इज़ द आइटम, दिस इज़ द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वेयर वी कैन कोलैबोरेट विथ यू। तो मैं समझता हूँ कि कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में आज भी एनेबलिंग एनवायरनमेंट हैं, हम लोगों को अपनी तरफ माइल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का परसेप्शन बेहतर करने की ज़रूरत है। देखें, तमाम तर मैं समझता हूँ नेगेटिविटी के बावजूद पॉजिटिव बात यह है कि हमारा जो मार्च एंड होता है, उस मार्च एंड के अंदर हमारा एक्सपोर्ट्स, हमारी बाकी चीज़ें मोर और लेस सिमिलर पैटर्न पे चल रही होती हैं, बल्कि थोड़ा सा बढ़ा हुआ ही था एक्सपोर्ट। तो ये शो करता है कि हाँ, अगर टेक्सटाइल है तो दूसरी फील्ड में भी जो है वो हमारा है, चाहे वो आईटी की फील्ड हो, चाहे दूसरी फील्ड्स हो, उसमें भी जो है वो हमने प्रोग्रेस की है। तो ये टोटल पूरे साल का एवरेज देखा जाता है। आज मैं मानता हूँ कि टेक्सटाइल फील्ड जो है वो बुहरान में है, लेकिन कल सुबह फिर बुहरान से इंशाल्लाह बाहर निकल आएगी और हम एक पॉजिटिविटी की तरफ चले जाएंगे। अच्छा चुनाव साहब, एक तरफ मार्केट ने थोड़ा सा रिएक्शन दिया, मार्केट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, पूरी वीक जो है हमने थोड़ा सा एक करेक्टिव मोड देखा, क्योंकि वीक के आगाज़ से ही जो मॉनेटरी पॉलिसी की एक एक्साइटमेंट थी वो ख़त्म हो गई। अब वो क्या लगता है, एक तरफ इन्फ्लेशन के नंबर्स इतने कम हो गए लेकिन मॉनेटरी ईजिंग की तरफ नहीं आ रहे हम, ये क्या रीज़न? देखिए, ये तो इसका एग्जैक्ट जवाब तो आपको स्टेट बैंक दे सकेगा। मैं तो ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल आना चाहिए था, और हम इंटरनेशनल फेड को फॉलो कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। एक आधा पॉइंट जो है वो हमें इसमें रिड्यूस करना ज़रूरी था, ताकि मार्केट परसेप्शन को बेहतर बनाए कि जी पाकिस्तान इज़ ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी। उसको डिले नहीं करना चाहिए था, उस चाहे हमारी ये चीज़ें अलाउ भी नहीं करती। देखें, फैक्ट ये है कि 80% हमारा बोरोड जो है वो गवर्नमेंट है, स्टेट बैंक से या कमर्शियल बैंक से, और बाकी 20% लोकल बोरोड हैं। तो आम ख्याल यही होता है कि जी 80% बोरिंग गवर्नमेंट के पास है और गवर्नमेंट सबके जो है वो एक्सपेंसेस के बिल्स को फुट कर रही है इससे, तो ज़ाहिर है मार्केट में पैसे तो आ रहे हैं। तो जहां हम इन्फ्लेशन के नंबर्स तेज़ी से कम करना चाहते हैं, वहां इस 80% एक ही लेंडर के पास पैसे जाना जो है, या एक ही अपना गवर्नमेंट के पास पैसे जाना, मैं नहीं समझता कि कोई इसमें पैराडाइम शिफ्ट आ सकता है लोगों की स्पेंडिंग पावर। ये थोड़ा सा एक इशू बिल्डअप हो रहा है, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट की बोरोइंग बढ़ रही है। आसिफ इनाम साहब, आप देखिए, स्टेट बैंक वगैरह इन्फ्लेशन तो देखते ही हैं जी, बट दे फॉलो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। तो व्हाट एक दो मीटिंग में ये सरप्राइज दे के इन्होंने इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन की कमर तोड़ी। मतलब देखिए ना, इन्फ्लेशन आज 17 है, तो अगर आप बिलीव करने लगे कि जी जैसे ही रेट कम हो और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, फिर कोई डिवेल्युएशन रन की बात करके फिर दोबारा इन्फ्लेशन बढ़ाएं, तो दे हैव ब्रेक दी बैक कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन लोगों के जहन से निकालना जो है वो इट्स अ पेनफुल प्रोसेस, वो बैठना आसान है, वो निकालना मुश्किल है। तो उस पर आप नहीं समझते कि थोड़ा सा जो बिजनेसेस हैं जो एक्सपेंशन की तरफ जाते थे, जो बोरोइंग की तरफ जाते थे, गवर्नमेंट के अलावा इंडिविजुअल बहुत सारे जो फाइनेंसिंग करते थे, उसमें तो मसला ही खत्म हो गया। देखिए ना, 165 बिलियन की बोरिंग घट के 40-50 आ गई। तो जहाँ जहाँ लोगों के लॉन्ग टर्म लोन्स हैं वो तो फंसे हुए हैं, जो शॉर्ट टर्म है हर शख्स ने अपनी बोरिंग कम करके अपनी कॉस्ट कम की है। अगर कोई 4 महीने की रुई रखता था, अब 2 महीने की रखता है, बट अनफॉर्चुनेटली होना तो ये सिंगल डिजिट में चाहिए। मैं उसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा कि भाई सही है, लेकिन उनकी मजबूरी बता रहा हूं। इंटरनेशनली भी अगर हम देखते हैं, फेड का भी 5.5 उन्होंने स्टेटस को रखा, अनचेंज रखा, तो
यहाँ पे वहाँ भी एक्सपेक्टेशन की प्रॉब्लम है ना कि इन्फ्लेशन जैसी वो कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी अब इस तरीके से जो वो इकोनॉमिक वॉर में लगे हैं उससे उनकी करेंसी की स्टेबिलिटी भी थोड़ी मुतासर हुई है। थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि इकोनॉमिक स्लो डाउन रहे और हमारे जो इकोनॉमिक नोट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। नहीं, इकोनॉमिक स्लो डाउन से तो नहीं होंगे, क्योंकि आपका डेट कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है तो आपकी डेट टू जीडीपी रेशियो को स्लो डाउन नहीं किया जा सकता क्या? नहीं, डेट टू जीडीपी रेशियोज खराब होती जाएंगी ना, तो वो जैसे ही एक खास पोटेंशियल से जाएंगी आपका वो प्रॉब्लम बन जाएगा। तो प्रॉब्लम असल ये है कि वी नीड टू ग्रो एट 8 or 9% हमारे सारे मसले खत्म हो जाएंगे। अच्छा, बैंक्स के लिए भी कोई आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जब उनके प्रॉफिट्स को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हायर साइड पे दिखाई दे रहे हैं, मार्केट में उनके अर्निंग्स देखते हैं तो बहुत ज़बरदस्त उनकी अर्निंग्स पंच की गई हैं, यहाँ पे कोई ऐसी उनसे स्कीम या उनसे कोई ऐसी डिमांड नहीं की जा सकती कि वो एटलीस्ट एसएमईज को, एटलीस्ट छोटे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए लोन्स जो है वो कम मार्कअप पे सप्लाई करें? बताऊँ, ये ऑलरेडी स्टेट बैंक की स्कीम मौजूद है, अनफॉर्चुनेटली वो लोगों को पता नहीं है। एसएमई की स्कीम स्टेट बैंक ने कोई 10 साल से लाई हुई, और अगर लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उनका मतलब थोड़ा सा फॉल्ट है। क्या स्कीम है वो? उस पर कंसेशन रेट पे, मैं ख्याल में 5% पे एसएमई, उनकी एसएमई की डेफिनेशन बहुत छोटी है। तो बैंकों से मैंने बात की थी कि भाई ये क्यों आप नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा कोलेट्रल और वो कई चीज़ों के मसले आ जाते हैं। तो वही अगेन, वो जो बैंक के अपने इशूज़ हैं वो अपनी जगह हैं, बट स्कीम मौजूद थी, अब है या नहीं ये मुझे पता नहीं, लेटेस्ट लास्ट 2 साल पहले तक तो थी। राइट, मैं चिराज साहब से पूछ रही हूँ, चिराज साहब कितने ज़बरदस्त प्रॉफिट बिल्डअप हुए हैं बैंक्स के, 100% 200% प्रॉफिट्स हैं, तो उसके बावजूद थोड़ा सा ये एसएमईज की तरफ, न्यू बिजनेसेस की तरफ, या वो जो लोग हैं यंगस्टर्स हैं वो लोन लेना चाहते हैं छोटे लोन्स की तरफ? देखिए, पहले तो इस पर थोड़ा सा मैं तबसरा कर लूँ कि अमेजिंग रिटर्न्स हैं, और अमेजिंग रिटर्न्स इसलिए हैं कि आपको करना कुछ नहीं है, आपने स्टेट बैंक से लेना है, गवर्नमेंट को दे देना है और स्प्रेड पे पैसे बनाने, और ये वो सिलसिला है जो मैं नहीं समझता कि दुनिया में कहीं भी ये मौजूद हो। हमारी एक अजीब मंतक है, मैं इस पर इसलिए बड़ा कैंडिडली कह रहा हूँ कि अब बैंकिंग जो है ना वो सिर्फ डेट सिक्योरिटीज़ पे रह गई है, बैंकिंग जो है वो कमर्शियल बैंकिंग नहीं रही। बैंकों को चाहिए आज कि जी उस धंधे को अपनी जगह पर चलाएँ, साथ में ये कमर्शियल बैंकिंग वाला धंधा अपनी जगह चलाएँ, अगर चलाएँगे तो मार्केट में एक्टिविटी रहेगी, मार्केट में इंटरेस्ट रहेगा, मार्केट में जो है वो ट्रेडिंग होगी, मार्केट में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। आज नहीं तो कल ये इंटरेस्ट रेट कम होने हैं। अच्छा, फिर दूसरा मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को एक चीज़ में और जल्दी करनी चाहिए कि ये सारी डेट सिक्योरिटीज़ को आपको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू प्लेस करना चाहिए, ताकि मोनोपोली जो है वो ख़त्म हो जाए इन कमर्शियल बैंकों की, और आम पब्लिक भी चाहे तो गवर्नमेंट को बोरिंग दे सकती है अपने कमर्शियल बैंक के थ्रू, तो और स्टेट बैंक के थ्रू वो कोटेशन आए। तो मैं समझता हूँ कि अब भी ये वक्त आ गया है कि इन चीज़ों को हम तेजी से अंजाम देखें। देखिए, सुकुक 3-4 दफ़ा हुआ, आप देखें वहाँ जब 22% इंटरेस्ट चल रहा है तो यहाँ 19% हो गया, 3% का अगर गवर्नमेंट को फ़र्क पड़ जाए तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है, और हमें उस बात को रियलाइज़ करना चाहिए जो अल्टीमेटली हम कर नहीं रहे। आज मुझे नहीं समझ आता कि हम ये लिस्टिंग ऑफ ट्रेजरी बिल्स थ्रू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज उसमें डिले क्यों कर रहे हैं। आए सारे लोग पार्टिसिपेट करें, उसमें बैंक भी पार्टिसिपेट करें, मगर ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बैंकों की मोनोपोली हो और बैंक जो है वो सिवाय डेट सिक्योरिटीज़ के कोई और बिजनेस ना कर रहे हों, लोगों को फैसिलिटेट ना कर रहे हों, और हर चीज़ हर ट्रांजेक्शन पे जो है वो लोगों से चार्जेस वसूल कर रहे हों। राइट, क्योंकि अब एक्सचेंज कंपनीज का भी एक क्वेश्चन उन्हीं के पास चला गया है, और एक डॉलराइजेशन के अमल को जो एक ज़्यादा देखा जा रहा था उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए भी बैंक्स की एक हेल्प ली गई थी, तो उस तरीके से भी उनके प्रॉफिट ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल जी, और ये भी मैं समझता हूँ कि ये वो स्टेप है कि जिसमें आप ट्रांसपेरेंसी तो ज़रूर ले आते हैं लेकिन फिर इसको मोनोपोलाइज बिजनेस कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो पहले पॉलिसी थी जिसमें हर एक को हासिल था, एक्सचेंज कंपनीज अपनी जगह पे ऑपरेट कर रही थी, मेरा ख्याल है कि उनको जो भी उनके चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वो करने के बाद उनको भी जो है वो फील्ड में रखने की ज़रूरत है, ताकि हर किस्म के बिजनेसेस जो हैं वो फ्लरिश कर सकें। मैं आसिफ साहब आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात हो रही है, प्राइवेटाइजेशन के अमल को भी तेज़ किया जा रहा है, और बहुत सारे एसओईज हैं जो ऐसे ब्लीड कर रहे थे, उनके ऊपर काम होगा यकीनन। अब जो सऊदी डेलीगेशन आ रहे हैं तो प्राइवेटाइजेशन क्या उनको भी ऑफर की जाएगी, क्या समझते हैं आप? देखिए, प्राइवेटाइजेशन जो है ना वो मैं तो सारे आईपीपी को नेशनलाइज कॉरपोरेशन ही समझता हूँ। तो जब आपने हर चीज़ की गारंटी की हुई है तो उसमें और पीआईए में फ़र्क क्या है? सिर्फ ये है कि पीआईए आप ग्राउंड कर सकते हैं, वो तो ग्राउंड भी नहीं कर सकते, उनको तो प्रॉफिट भी देना लाजमी है। तो अगर पीआईए प्राइवेटाइज हुई और 4 IPP कॉन्ट्रैक्ट और साइन हो गए तो वो तो जीरो सम गेम है। और दूसरे के आप ये भी देखें कि देर आर लॉट ऑफ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन,
तो नेट लॉस इतना नहीं है जितना खाली आप सिंगल यूनिट को पकड़ के जो है वो करते हैं। इनमें बेहतरी की भी गुंजाइश है। आप एसेट्स वाइज देखें OGDCL वगैरह के पास कितने ज़बरदस्त असार हैं उसको देखिए। एक आज से 40 साल पहले हम 80-90 कुएँ खोदते थे, आज हम 20 कुएँ खोदते हैं, तो मतलब ये बॉन एवरीवेयर। और दूसरे जहाँ तक इंटरेस्ट रेट के सिलसिले में जो चुनाव साहब ने बात की है, मैं उससे 100% एग्री करता हूँ। 2-3% क्वेश्चन यहीं से ही आ जाएगा इफ़ यू लिस्क राइट। तो सर ये सही है ना जी? बिल्कुल। जब आप बॉन्ड मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ाएंगे, और अमेरिका में भी स्टॉक से बड़ी बॉन्ड मार्केट है राइट। चुनाव साहब क्या ये जो एग्जांपल दे रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के हवाले से कि ये काम नहीं होता था पहले, ये होता था अब नहीं होता, या फिर दूसरा ये कि अगर हम PIA के हवाले से बात करें तो प्राइवेटाइजेशन होना तो नेसेसरी है, और प्राइवेटाइजेशन होना ये नहीं कि आप फुली प्राइवेटाइज कर दें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होती है। देखिए इसमें कई दफ़ा ये कहा गया है कि जी सारी प्राइवेटाइजेशन आप करें, गवर्नमेंट अपने स्टॉक्स को ऑफलोड करें और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कर लें जी, उसमें यह होगा कि ठीक है मैनेजमेंट शेयर जो है वो जो जिनके पास ज़्यादा शेयर्स होंगे वो लेके चले जाएंगे। गवर्नमेंट अपना थोड़ा सा स्टेक ज़रूर रखे, 10%, 15%, 20%, वॉट एवर द टीम फिट। और वो स्टेक को रखने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की सीट जो है वो उस पर हो, गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस हो जाए, लेकिन ऑपरेशनल इश्यूज जो हैं वो गवर्नमेंट के पास ना हो, ऑपरेशनल इश्यूज जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हों। और प्राइवेट सेक्टर ने हमेशा ये साबित किया है कि वो गवर्नमेंट से इस निज़ाम को बेहतर तरीके से चला सकते हैं, इसलिए कि वो ट्रेन प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर उसको चलाते हैं। गवर्नमेंट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जाहिर है उनकी अपनी लैप्सेज हैं, अपनी इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, तो फिर अगर ये काम प्राइवेट सेक्टर कर रहा है और प्राइवेटाइजेशन आप सही मानों में कर रहे हैं, तो लेट ऑल दी स्टॉक गेट इट रूटेड थ्रू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उसमें एक्टिविटी भी आएगी, लोगों का इंटरेस्ट भी आएगा, और लोग फिर एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि डेट मार्केट से हटकर उस मार्केट में जाना चाहेंगे कि जहाँ शेयर जो हैं अच्छी अच्छी कंपनियों के, PIA हो गई वगैरह, मैं नहीं कहता अच्छी कंपनी है लेकिन एक गुडविल तो उसकी है, तो उसके साथ उस कंपनी में आए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट उसको चलाए और प्रोफेशनल मैनेजमेंट उसको नई हाइट्स पे लेके चली जाए, लिस्टिंग भी होगी, ऑटोमेटिकली पब्लिक का भी फायदा है। अच्छा सऊदी डेलीगेशन आ रहा है, 20-25 बिलियन के टारगेट सेट किए हैं बिलियन डॉलर्स के, यकीनन कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, तो कितना ऑप्टिमिस्टिक हैं आप? बहुत ज़्यादा। और देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें आगे आना चाहिए, और तीसरा मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी प्रोजेक्ट्स की तैयारी करके रखना चाहिए कि वो आएँ और कहेंगे अच्छा जी हमने इन्वेस्टमेंट करना है, हम कहाँ करें, कोई चीज़ तो बताओ, तो वो चीज़ अगर नहीं होगी तो कैसे ये काम चलेगा। तो ऑलरेडी जो आज मिनिस्टर्स के एक वक्त आया था तो उनको तो ऑलरेडी सारे प्रपोजल्स दिखाए गए थे, और बहुत जी अच्छे बिल्कुल प्रपोजल्स दिखाए गए अच्छे प्रपोजल्स से। डेलीगेशन आएगा उसको ये प्रपोजल भी दिखाने और मजीद प्रपोजल भी दिखाने। $8 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की हम फर्स्ट फेज में बात कर रहे हैं और टोटल $25 बिलियन, और जब 25 यूटिलाइज हो जाए तो 25 और, ये सऊदी कमिटमेंट है, तो हम $50 बिलियन के लिए हमको पूरे पाकिस्तान को जो है वो डिजिटलाइज करके, रेवोल्यूशनलाइज करके, और फिर पूरे पाकिस्तान को जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए कि ये स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स होंगे, यही आइटम्स होंगी जो हम चाहते हैं कि जिसकी इंडस्ट्रियाँ यहाँ बने, और पाकिस्तान से फिर री एक्सपोर्ट के जो इश्यूज़ हैं या जो प्रपोजल्स हैं उनको अच्छी तरह से वेल डिफाइंड कर लें। जहाँ हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे वहाँ मैं आई एम श्योर कि सऊदी उसको इंसेंटिव होगा कि जी इनके पास सारी चीज़ें तैयार हैं, होमवर्क तैयार हैं, एंड वी कैन गो ऑन फॉर इन्वेस्टमेंट्स विद देम। आसिफ साहब एक तरफ हम लोन की बात करते थे, यहाँ पे हमारे पास बिजनेस आ रहा है और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट आएगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जो कि हमारा एक मुश्किल वक्त भी होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही होती तो बड़े मसाइल हो जाते हैं। हमारे नेबरहुड में ऑलरेडी सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट पर ईयर बढ़ती जा रही है, तो हमें भी थोड़ा सा इस चीज़ को इस बार करके दिखाना है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टर्स आ रहे हैं खुद चल के तो उन्हें बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट दें, ताकि वो ऑलरेडी SIF से काफ़ी उनका एक इम्प्रेशन दिखाई देता है कि वो बहुत ज़्यादा उनका ट्रस्ट है। जी इसमें देखिए हम लोग बहुत सारी चीज़ों में जो है ना वो हम लोग कई बरसों से लैग कर रहे हैं। मसलन जैसे सारी दुनिया में सक्सेस मॉडल देखें, हांगकांग के करीब चाइना ने शिंगयांग वो कौन सा जोन बनाया, ड्यूटी फ्री जोन का मतलब है कि उसमें कोई पॉलिसी देने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपको जगह है, डॉलर में आपने तनख्वाह देनी है, आप जाने आपका काम जाने। इंडिया में जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी लगी वो EPZ में, इट्स नॉट अंडर एनी रिफाइनरी पॉलिसी, उसने एक मॉडल देखा कि जी दुनिया का घटिया तेल ला के उसको मैं क्रैक करके उसमें से अपनी मेहनत पेट्रोकेमिकल्स बनाएगा, ये करेगा। तो हमने एक EPZ के बाद कोई EPZ ही नहीं बने, तो हजारों एकड़ पे आप एक EPZ बना दें। जबली अली मॉडल सामने है, चाइना का मॉडल सामने है, इंडिया का मॉडल सामने है,
बल्कि अभी हमारे जो लास्ट कॉमर्स मिनिस्टर थे, ही वेंट टू चाइना, ही केम अप विद अ प्रपोजल कि ये फॉरेन स्टील मिल का सारा एरिया जो है वो हम ईपीजेड में कर देते हैं। तो वो आप ईपीजेड में कन्वर्ट करें, आप देखें आपको कैसे एकदम इन्वेस्टमेंट आता है। इन्वेस्टमेंट को लाना ही आइडिया है। और दूसरा ये कि ना सिर्फ सऊदी अरब से, और भी कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो कि चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, कतर वेरी मच इंटरेस्टेड। देखिए हम चाहे माने नहीं माने, सारी दुनिया में भेड़ चाल होती है। जब चार आदमी आएंगे वो खुश होंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, सब बोलेंगे तो यहीं पर है। सबसे पहले जो है ना वो कुछ लोगों को लाना होता है, और उसमें आपने ख्याल रखना होता है कोई बहुत खुश रहे। मतलब वो ईपीजेड मॉडल जो है वो वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है, जिसके अंदर चाइनीज वगैरह वो भी आप प्रोडक्ट बनाए ले जाए, आपको पॉलिसी देने की जरूरत ही नहीं है ना। उनको कोई चीज समझ में आती है आपकी चीप लेबर आपकी एनर्जी से, वो बना के ले जाएंगे। और ऑटोमेटिकली हमारे लिए जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको भी फायदा पहुंचेगा, क्योंकि वो भी जॉइंट वेंचर्स कर सकते हैं, वहां से प्रोडक्ट बनाए। और अगर उन्हें पाकिस्तान भेजनी है वो रेगुलर जैसे इंपोर्ट होती है, हमारी अपनी बहुत बड़ी एक आबादी है, तो उनको उसके अंदर उनके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप ये देखें कि जो हमारे यहाँ जो कॉपर की जो माइंस है जिसके साथ स्पेंटर बन रहा है, और हमें शिकायत है कि जी वो रॉ ले जाते हैं, उस वजह उन्हें ईपीजेड क्लियर डिक्लेयर किया जी, जी, जी। और ईपीजेड की वजह से वो बहुत सारी चीज़ों से बच गए, मतलब वरना वो चला ही शायद ना सकते हों, वो इस वजह से रॉ ले जाने पर मजबूर है कि उन्हें एक्सपोर्ट ही करना होता है। राइट एक तरफ इन्होंने स्टार्ट में ही कहा कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिनको हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। चुनाव साहब दिस इज़ दी हाई टाइम कि अब वो तमाम जो जो अनटैप्ड ऑप्शंस हैं उनको भी टैप किया जाए, और अपने एक्सपोर्टर्स के मसाइल हल किए जाएं ताकि हमारे मुल्क में डॉलर आए, हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो रेमिटेंसेज भेजते हैं उनके मसाइल सॉल्व किए जाएँ ताकि डॉलर आए, और दूसरा ये आईटी के हवाले से रास्ते क्लियर किए जाएँ ताकि हमारे मुल्क में डॉलर आए। देखिए बिल्कुल SIFC के जो 5 कंपोनेंट हैं, आईटी हो गई हमारी, अपना फ्यूल एंड पावर हो गया, इसके बाद एग्रीकल्चर हो गया, फिर डिफेंस हो गया, ये सारे जो हैं वो, और फिर ये मेटल्स हो गए हमारे माइंस एंड मिनरल्स, तो ये पांचों जो हैं वो इस बात के लिए कि किस तरह इनके बिजनेसेस को फैसिलिटेट किया जाए। SIFC जो है वो हर जगह पे लैंड्स भी ऑफर कर रही है कि आएँ एग्रीकल्चर में हिस्सा लें, हम हर किस्म की फैसिलिटेशन करेंगे। इसी तरह IT में भी यही बात है, माइंस एंड मिनरल्स में भी यही बात है कि कहीं प्रोटेक्शन चाहिए, कहीं आपको मामलात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट इफ़ यू गो थ्रू SIFC। तो मैं ये समझता हूँ कि दिस कैन गो अ लॉन्ग वे। SIFC ने मैं समझता हूँ कि जो अश्योरेंसेस दी हैं कारोबार करने के लिए, न सिर्फ लोकल इन्वेस्टर्स के लिए बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी पुरकशिश हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोकल इन्वेस्टर्स को कल नहीं आज इसकी यूटिलाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए, उनसे हेल्प आउट लेनी चाहिए, और पाकिस्तान को जो है वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के डायरेक्शन में ले जाना चाहिए। और जब ये काम हो जाएगा कि लोकल जो है वो पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो फिर जैसे भाई मेरे भाई ने बताया कि एक भेड़ चाल है, चाहे वो सऊदीया हो, चाहे कतर हो, चाहे UAE हो, चाहे कुवैत हो, ये पांचों ममालिक का एक क्लस्टर जो है वो पाकिस्तान के पास आएगा, और पाकिस्तान जो है वो एक नए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ इंशाल्लाह चला जाएगा। वेल वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच अहमद चुनाव साहब, आपने ज्वाइन किया, आसिफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, और साथ साथ हम ये भी बात कर रहे हैं कि FDI को कैसे अट्रैक्ट करना है, अट्रैक्शन के लिए कौन कौन से मराहिल होने चाहिए। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।